आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अदन्स किचन में आपका वेलकम है। तो आज देख रहे हैं कि हमने कटलेट्स तैयार किए हैं, ये हैं आलू चिकन के चीज़ी कटलेट्स। तो इनका इजी और सिंपल रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चले जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करती हैं, आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, नोट डाउन कर लें, तो आप भी अपने घर में ये बनाइए, तो इंजॉय कीजिए। चलिए, अदन्स किचन में आज हम बना रहे हैं पोटैटो चीज़ी चिकन कटलेट्स। तो उसके लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले हम लेंगे 3 पाव के करीब आलू हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया हुआ है, और 1/2 kg के करीब ना बॉयल किया हुआ चिकन है जिसमें कोई नमक कुछ भी नहीं, सिंपल सा बॉयल किया हुआ है, कुछ नहीं डाला हुआ इसमें। उसके बाद जो हमें मसाले चाहिए, भुना कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच जीरा है, और भुना कुटा हुआ खुश्क धनिया का पाउडर है, 1/2 teaspoon काली मिर्च का पाउडर है, ज़रूरत के मुताबिक नमक है, मैंने वैसे 1 teaspoon नमक लिया है, 1/2 teaspoon क्रश लाल मिर्च है, और 1/2 teaspoon इसमें ना काली मिर्च का पाउडर है। तो उसके बाद इसमें जाएगा जी 1 चम्मच धनिया, सब्ज़ धनिया, और 1 ही हरी मिर्च बड़ी कुटी हुई, 1 दरमियानी साइज की ना क्रश की हुई प्याज है, चीज़ जाएगी मोज़रेला चीज़ लिया मैंने 1 प्याली, ज़रूरत के मुताबिक यूज़ होगी, ब्रेड क्रम्स हैं फिलिंग के लिए, ये अजा है ब्रेड क्रम्स, मैदा 1 प्याली, और 1 अदद अंडा, और 2 खाने के चम्मच इसमें दूध जाएगा। तो चलें जल्दी से सबसे पहले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम ना आलूओं को करते हैं मैश, आलू हमारे ना अच्छे से ठंडे होने चाहिए, गर्म होंगे ना तो वो फिर ना पानी छोड़ देगा सारा मिक्सचर ना, उसका ढीले पड़ जाएंगे हमारे कटलेट्स। साथ ही इसमें डाल देंगे चिकन, एक खाने का चम्मच नमक जाएगा, एक टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा खाने का चम्मच क्रश खुश्क धनिया, भुना कुटा जीरा 1 खाने का चम्मच, 1 चम्मच धनिया, और 1 ही हरी मिर्च क्रश की हुई। इसमें आ गई जी रेड चिली फ्लेक्स है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर है। तो लास्ट में जाएगा इसमें हमारा 1 अदद प्याज है बारीक सा चॉप किया हुआ। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और इनको कटलेट्स बनाते हैं। इनके खुले बर्तन में डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। चीज़ें ठंडी होंगी ना, हमें एक्स्ट्रा बीच में मैदा या आटा या कोई चीज़ डालने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद से ही इतना ना सहज सा बैटर बनेगा। मटेरियल हार्ड होगा तो चीज़ बीच में ना सही से इसकी स्टफिंग हो जाएगी, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगी बीच में सारी। चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ना 5 मिनट के लिए ना हम इसको ना फ्रिज में रख देते हैं ठंडा करने के लिए। तो फिर हम इसमें ना फिर चीज़ आपको बताऊंगी कैसे इसकी फिलिंग करनी है। ठीक है, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, चलिए 5 मिनट के लिए हम इनको रेस्ट देते हैं। ये देखें जी मटेरियल हमारा अच्छे से ठंडा हो गया, अब हम इनको शेप देते हैं। हाफ में बनाऊंगी चीज़ के साथ चीज़ की स्टफिंग करेंगे कटलेट्स की, और हाफ हम विदाउट चीज़ करेंगे। ये हो गया ना हमारा सिंपल वाला, तो जिसके अंदर हमने फिलिंग करनी है ना उसको हमने ऐसे हाथ पे फैला लेना, तो ऐसे ही चीज़ देखना है तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब, वो बीच में ऐसे भरनी है, और ऊपर से थोड़ा सा और मटेरियल डाल के इसको हम लेना बंद कर देना और कटलेट्स की शेप दे देनी। ये थोड़ा साइज में बड़े होंगे, आपको याद होगा
एक रेसिपी मैंने डाली थी, ऐसे ही बनाया था चिकन पैटी चीज के साथ। ऐसे करके ना हम सारे कटलेट्स बना लेते हैं। देखिए हमारी ना रेडी हो गई है। अब एक अंडा लिया है, उसमें चुटकी नमक, चुटकी काली मिर्च का पाउडर और ज़रूरत के मुताबिक ना तकरीबन एक ही खाने का चम्मच इसमें दूध गया है। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। एक और अंडे का जाएगा और एक कप के करीब ही मैदा लिया हुआ मैंने और एक ही कप हमारा ब्रेड क्रम्स जो मुझे ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले ना अंडे की कोटिंग करते हैं। पैन में मैंने ऑयल रख दिया हुआ है, ऑयल हमारा गर्म हो गया हुआ है। उसके बाद हम करेंगे इसमें मैदे की कोटिंग। लास्ट पे ब्रेड क्रम्स की। ऑयल हमारा गर्म है, साथ ही मैंने ऑयल में घी में डाल दिया। बिल्कुल स्लो आंच पे ना, क्योंकि ये चीज़ी वाले हैं, इसको ज़रा बिल्कुल ना स्लो हीट पे हमने बनाना है कि चीज़ भी हमारी अंदर से मेल्ट हो जाए। तो ऐसे ही बारी बारी करते ना हम सब कटलेट्स को फ्राई मिक्स करके ना फ्राई कर लेते हैं। पहले हम चार पांच ये चीज़ी कटलेट्स करेंगे, फिर चार से पांच हम ना सिंपल वाले कटलेट्स बारी बारी दोनों फ्राई करते हैं। एक साइड गोल्डन हो गया, दूसरी साइड हम इसकी टर्न कर लेते हैं। चलिए देखा कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया। तकरीबन 3 मिनट लग गए हैं नीचे से गोल्डन होने में, तो अब 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड की तरफ से करते हैं गोल्डन। दूसरी साइड भी गोल्डन हो गई है। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप ये वाले तो हो गए ना हमारे चीज़ी कटलेट्स। अब मैं बना रही हूँ सिंपल वाले विदाउट चीज़ के साथ थे जो। इनको भी ऐसे ही 2 से 3 मिनट लगेंगे नीचे से गोल्डन होने में। ये देखिए जी हमारे आलू और चिकन के चीज़ी कटलेट्स रेडी है, जो कि इंतहाई इजी और सिंपल रेसिपी आप सर शेयर की है, जो कि हाफ मैंने चीज़ के साथ बनाया और हाफ मैंने विदाउट चीज़ के साथ बनाया है। तो इंशाल्लाह आप ये रेसिपी अपने घर में भी बनाएंगे तो घर में माशाल्लाह से हर से सब पसंद करेंगे। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, अपने घर में बनाइए, आप भी मौसम को इंजॉय कीजिए और टी टाइम में भी बनाएँ या बच्चों को वैसे भी खिलाएँ तो अच्छी रेसिपी है, सब पसंद करेंगे। तो मिलते हैं कल यूं रेसिपी के साथ। आज तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।